फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त की 29 तारीख है आज और बारिशों का मौसम ऑलमोस्ट जा चुका है। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी हो रही है। और आज हम बात करेंगे बोगनविलिया प्लांट की केयर के बारे में, बात करेंगे उसकी फर्टिलाइज़र के बारे में, उसकी मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात करेंगे। मिट्टी में आपको वही लेना है, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा गोबर की खाद और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, और यही रखेंगे हम उसमें। और बाकी फर्टिलाइज़र में आप इसको DAP दे सकते हो और पोटैश दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, और वो भी आप उसे 15-15 दिन पे या एक महीने के अंतर पे दे सकते हो। और रही फ्लावरिंग की बात, तो ये आपको फ्लावरिंग होने के तुरंत बाद आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी नई ब्रांचेस आएंगी और उसके साथ नए नए फूल आते रहेंगे। और इसकी गुड़ाई भी करते रहिए। इसके पौधे में जो घास है या कुछ ऐसे पौधे निकल आते हैं छोटे छोटे, उनको आप निकाल दें और गुड़ाई करते रहें। पानी ज़्यादा ना दें, क्योंकि पानी आप ज़्यादा दोगे तो उसमें सिर्फ लीफ आती रहेंगी, पत्तियाँ आती रहेंगी। और फूलों के लिए आपको थोड़ा उसमें पानी कम देना है, 10 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए आप उसमें पानी कम दो और फूल ये आपको देते रहेंगे। इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो, पूरे दिन की धूप दे सकते हो, शेडी एरिया में आपको बिल्कुल नहीं रखना है। और इसको रिपॉट करने की भी बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार आप इसको पॉट में लगा दो तो ये 2-3 साल तक आराम से चल जाता है। और बस, तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताएं, गाइड करें। और बाय।